शक्कर की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर का शक्कर कोटा खपत की तुलना में अधिक जारी किया गया था। वहीं अक्टूबर के अंत में मिले बचा हुआ स्टॉक हल्का करने में जुट गई। इससे खुले बाजारों में भी शक्कर की कीमतों में एक तरफा मंदी की स्थिति बनी। आपको बता दें कि महीने के आखिरी दिन सोमवार को शक्कर 10 रुपये घटकर नीचे में 3660 रुपये तो ऊपर में 3670 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। इन दामों पर भी व्यापार बेहद कमजोर देखने को मिला। वहीं नवंबर का शक्कर कोटा 22 लाख टन जारी किया गया है, जो अक्टूबर की तुलना में 1.5 लाख टन कम जारी होने के बावजूद ग्राहकी का सपोर्ट न मिलने से कीमतों में फिलहाल लंबी तेजी नजर नहीं आ रही। हालांकि कुछ व्यापारियों का कहना है कि नवंबर के पहले टेंडर कुछ मजबूत जा सकते हैं, जिससे वर्तमान दामों में 10 से 20 रुपए का सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल शक्कर में लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। भाव में गिरावट बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।